नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस अंक में हम आपको बताते हैं राजस्थान के उन धार्मिक स्थलों या देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति तो बहुत है लेकिन जिनके स्थापत्य को लेकर जानकारी कम है। आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू में, जहाँ पर स्थित है अधर देवी मंदिर या अर्बुदा माता का मंदिर। कहते हैं इस स्थान का संबंध शिव के तांडव से है, जब उन्होंने सती का शव लेकर तांडव नृत्य किया था। तो आइए जानते हैं कि क्या देवी मंदिर जो माउंट आबू से करीब 3 किलोमीटर दूर है। अर्बुदा देवी मंदिर को अधर देवी शक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर ने माँ पार्वती के शरीर के साथ तांडव शुरू किया था तो माता पार्वती के होंठ यहीं गिरे थे, इसीलिए यहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुआ। तभी से ये जगह अधर देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अर्बुदा देवी आबू की अधिष्ठात्री देवी है। माँ अर्बुदा देवी कात्यायनी देवी के रूप में विराजमान है। कात्यायनी माँ दुर्गा की छठी शक्ति का रूप है। अर्बुदा देवी परमार वंश की कुल देवी है। यूँ तो यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है लेकिन नवरात्रि में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही मान्यता है कि माता के दर्शन करने से अपनी इच्छा के मुताबिक वर वधु की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में एक अर्बुद खंड भी है जिसमें अर्बुदांचल का पूरा जिक्र है। ये मंदिर माउंट आबू से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर माउंट आबू के प्रमुख पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ का सौंदर्य इस बात से और भी निखर जाता है और बरबस ही लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर का अनुपम सौंदर्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। माँ के दर्शन पाकर श्रद्धालु अपनी सभी कष्टों को भूल जाते हैं और हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं। माउंट आबू में जिस माता की पूजा होती है उनका नाम है अधर देवी या अर्बुदा माता, और उस मंदिर में दसवीं पीढ़ी से पूजा हो रही है। उसी पीढ़ी से है अब भरत राहुल साहब, इनसे बात करते हैं कि आखिर अधर देवी का मंदिर यहाँ कैसे आया। हमारे श्रद्धालुओं को ये बताने का कष्ट करें कि ये कथा क्या है, पूरी कथा क्या है। ये आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री से तात्पर्य ये है कि ये पूरा माउंट आबू जो है वो इन माताजी के नाम से ही जाना जाता है। माउंट आबू का नाम जो है वो अंग्रेजों ने रखा है, उसके पहले इस पूरे पर्वत का आज भी स्कंद महापुराण में अर्बुदा चल पर्वत के नाम से है। अर्बुदा यानी माताजी हैं और अचल जो अचलेश्वर महादेव हैं वो यहाँ की इष्ट देवी और वो यहाँ के इष्ट देवता हैं। तो इन माताजी के नाम से ये पूरा अर्बुदाचल पर्वत कहलाता है। ये पूरा पहाड़ जो है ये खाली ये सिटी नहीं, ये पूरा पर्वत अर्बुदाचल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये यहाँ की अधिष्ठात्री देवी होने से और स्वयं प्रकट होने से, आपने जो माताजी के गुफा में दर्शन किए वहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जो माताजी का जो मुख्य मंदिर है जो गुफा के अंदर, वहाँ माताजी स्वयं प्रकट है, वो स्थापित नहीं है। वो जो माताजी की प्रतिमा है उसका वर्णन स्कंद महापुराण में अर्बुद खंड में आता है, जिसको वेद व्यास जी द्वारा रचित है और विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद और पुराण हैं, उसमें माता जी का वर्णन है, इस अर्बुदाचल का वर्णन है। इस कारण हम उनको 5000 वर्ष एक अप्रोक्स मान के कहते हैं कि भाई 5000 वर्ष से पुराना मंदिर है। और जो गुफा है वो पूरी नेचुरल प्राकृतिक गुफा है, उसको कहीं से भी काटा हुआ नहीं है आज तक भी, खाली वो लाइट के लिए वाइट वॉश किया हुआ है। और जो माता जी की प्रतिमा है वो प्रतिमा 5500 वर्ष पहले की प्रतिमा है और सिंह पर विराजमान है, क्योंकि ये कात्यायनी का स्वरूप है। कात्यायनी नवदुर्गा में छठा स्वरूप है और कात्यायनी का महापीठ है, जो स्कंद महापुराण में इनका वर्णन है वो कात्यायनी के है, जिसका शुंभ नामक राक्षस को मारा था वो कात्यायनी है। अब इस आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी होने से इस आबू पर्वत पर ऋषि मुनि लोग रहा करते थे। वो ऋषि मुनियों को कुछ राक्षस
ऐसी कथा आती है कि राक्षस लोग परेशान करते थे, हमने रामायण में भी पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है, तो उसमें यहाँ जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, तो ऋषि मुनियों ने माता जी से प्रार्थना की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये हमको हमारी तपस्या में खलल पैदा करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो राक्षस भी बहुत चतुर था, जो यहाँ पर बुडल नाम का राक्षस था वो बहुत चतुर था, वो भी आके माता जी के चरणों में झुक जाता है। तो माता जी को वो कहता है कि जब ये भी आपके बच्चे हैं तो मैं भी आपका बच्चा हूँ। तो माता जी कहती है हाँ बिल्कुल तू मेरा बच्चा है, परंतु तू ऐसे ही झुका रहना जब तक मैं नहीं आती हूँ। तो यहाँ की पादुकाएं बनी हुई है, जो यहाँ से नीचे देलवाड़ा के रास्ते में आती है, तो बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर पादुका है, उस पादुका के नीचे उस राक्षस को दंडवत प्रणाम में उसको नीचे रखा और ऋषियों को कहा कि मैं इस गुफा में ऊपर मैं निवास करूंगी और जो बिरले लोग ही हैं जो मेरे दर्शन कर पाएंगे। उसमें साधन नहीं था, आवागमन नहीं था, ऋषियों को ये वरदान दिया और उसमें ये बताया कि ऋषियों ने यहाँ आके चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को माताजी के इस गुफा में दर्शन किए, पूनम के दिन पूर्णावती होती है और पूरे प्रसाद होता है, उस प्रसाद में कोई इन्वाइट नहीं होता है, परंतु जो भी आए प्रसाद लेके जा सकता है, ये यहाँ का नियम है। दूसरा माताजी का नाम है अधर देवी, तो जो ये हमारे शक्ति के पीठ स्थान है, जहाँ जहाँ माता जी के जो जो एक अंग गिरे वो शक्ति पीठ बने, तो यहाँ माता जी के अधर गिरे, अधर जिसको हिंदी में हम होठ बोलते हैं, तो अधर देवी इसीलिए इनके नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अधर की पूजा होती है और इसीलिए खाली माता जी के मुख के दर्शन कराए जाते हैं लोगों को, ताकि एक अधर पे एक विशेष ध्यान दिया जाए। एक कथा ऐसी प्रचलित है कि माता जी जमीन से अधर है, क्योंकि वो उस समय ऐसा मालूम नहीं था लोगों को, तो वो एक अधर शब्द से लोग ऐसा कह देते थे कि जमीन से ऊपर है या नहीं, परंतु वर्तमान में या पहले भी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि माता जी की प्रतिमा जमीन से ऊपर थी। ये अधर देवी के नाम से, अर्बुदा माता जी के नाम से, और कई लोग इसको आबू अम्बाजी भी बोलते हैं, क्योंकि आबू में एक ही मंदिर है जो ये सबसे प्राचीन मंदिर है, और पूरे राजस्थान में शक्तिपीठ में सबसे प्राचीनतम मंदिर एक ही है, बाकी कई जगह बना दिए जो माताजी के नाम से जाने जाते हैं और अलग अलग माताजी के नाम से जाने जाते हैं। जो 52 मुख्य पीठ हैं उनमें इनका स्थान है, वैसे 108 भी मानते हैं उसमें भी माताजी का स्थान है, परंतु मुख्य पीठों में एक स्थान है। और चैत्र शुक्ला चतुर्दशी और आश्विन शुक्ला अष्टमी, ये दोनों माताजी के मुख्य दिन गिने जाते हैं। अष्टमी के दिन भी रात्रि में यहाँ हवन होता है, यहाँ एक जैसे नवरात्रि कहते हैं तो नवरात्रि में रात्रि की परंपरा है, ये उत्सव चैत्र शुक्ला चतुर्दशी का उत्सव 15 दिन चलता है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, तो 14 को रात्रि में हवन होता है, भजन संध्या होती है, पूर्णिमा को सुबह पूर्ण हवन होता है और प्रसाद होता है, ऐसा का ऐसा सिस्टम आश्विन शुक्ला अष्टमी में होता है, वो 9 दिन का प्रोग्राम होता है, नवमी को पूर्णावती होती है, प्रसाद होता है, ये यहाँ की परंपरा है। दूसरा हमारी यहाँ वंश परंपरा से पूजा है, लगभग मेरी 10वीं पीढ़ी है और लगभग 400 साल तो, हाँ वैसे हम लोग हमारे पिताजी और पिताजी तक एक ही पीढ़ी आई, फिर हम लोग 4-5 भाई हैं, अभी 6 भाई थे, 1-2 भाई ऑफ हो गए, तो हम लोग चारों भाई यहाँ मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, माताजी के आशीर्वाद से ही किसी भी जगह एक पीढ़ी भी रहना बहुत मुश्किल होता है, परंतु माताजी का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमको यहाँ पे उनके चरणों में सेवा के लिए रखा है, अच्छा, ये हमारा भाग्य माना है। अच्छा भरत जी, एक और जैसे यहाँ जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, मुख्यतः जैसे हर मंदिर की कुछ न कुछ होती है कि ये अगर यहाँ ये मनोती मानी जाए तो पूरी होती, तो यहाँ जो अधर देवी है इनको लेकर जो आस्था है लोगों में वो किस मनोती को लेकर मानी? देखिए ये परमार वंश की कुल देवी है, पहली चीज तो परमार मूल गोत्र है, परंतु उससे अभी वर्तमान में जब परशुराम जी के टाइम पे क्षत्रियों का जो विध्वंस हुआ उसमें क्षत्रियों ने अपने आप को बचाने के लिए कई दूसरे गोत्र का नाम सहारा लिया, तो माताजी ने उनकी रक्षा की थी। तो जो आंजना चौधरी हैं जो गुजरात में हैं, कई मिनिस्टर भी हैं, अपने MP में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, चौधरी समाज जिसको बोलते हैं, उनकी भी कुलदेवी है, परमार गोत्र की कुलदेवी है। जैनों में करीबन 58 गोत्र हैं जो परमार में से ही निकले हुए हैं, उनकी भी कुलदेवी है, वो अपने अपने मन्नतें लेके आते हैं यहाँ पर। ये कात्यायनी का महापीठ होने से जिनको अच्छा वर चाहिए, जिसको अच्छी वधू चाहिए, तो माताजी के सामने झुकने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। वैसे तो कई मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और ये मेरे कहने से नहीं, आप कई लोगों से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मनोकामना में माताजी सारा कुछ देती है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ही साफ, हमें कोई देखिए 10 पीढ़ी यहाँ गुजारना, और आज माताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, कोई इंजीनियर हैं, कोई CA हैं, ये सब माताजी की कृपा से ही है।
तो ये थे भरत भाई ने जिस तरह से बताया कि माँ है और माता के दर्शन के लिए कुछ लोग वर पाने के लिए आते हैं, कुछ वधु पाने के लिए आते हैं, उनकी मनोते पूरी होती है। लेकिन ये 5000 साल पुरानी माता का मंदिर ये है और स्वयं प्रकट्य है। अधर माता अधर देवी क्यों पड़ा ये भी भरत भाई ने बताया। तो ये चमत्कारिक माता है और जहाँ चमत्कार होता है वहाँ पर आस्था होती है और आस्था जब उमड़ती है तो लोग अपने आप दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। अर्बुदा देवी या माँ कात्यायनी के बासकली वध को लेकर एक कथा प्रचलित है। दानव राजा बासकली ने कई हजार सालों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उस दानव को अजय होने का वरदान दिया। इस वरदान को पाकर दानव बासकली को अपने आप पर घमंड हो गया। वरदान मिलने के बाद बासकली अत्याचार करने लगा। बासकली के अत्याचार से परेशान होकर सभी ऋषि मुनियों ने माता अर्बुदा देवी की तपस्या की और देवी से बासकली का अत्याचार खत्म करने की प्रार्थना की। माता ने देवताओं और ऋषियों को तथास्तु कहा, लेकिन दानव बासकली भी माता रानी के चरणों में आ गया और कहा कि मैं भी आपका पुत्र हूँ, मुझ पर भी दया करो। इसके बाद माँ अर्बुदा देवी ने बासकली को कहा कि तुम इसी तरह हमेशा मेरे चरणों में झुक कर रहना। इसके बाद से अर्बुदा मंदिर के पास स्थित माता की पादुका की पूजा होने लगी। अधर देवी मंदिर की कथा क्या है, हमारे साथ हैं चमन सिंह जी, इनसे बात करते हैं कि कैसे देवी का मंदिर है। शक्ति पीठ है और इसी अर्बुद के नाम से ही आबू है और ये शक्ति पीठ है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, परमारों की ये कुल देवी है और 250 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है इसको, 250 सीढ़ी उतर के वापस उतरना पड़ता है। ये बहुत पुराना पीठ है, गुफा के अंदर माता का रूप है। तो माता किस स्वरूप में है? माता मूर्ति रूप में अभी तो यहाँ पर नहीं, जैसे इसका नाम है कात्यायनी शक्तिपीठ। कात्यायनी शक्ति षष्ठम कात्यायनी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीनतम चंद्र घंटे थी, चौथा कंडे थी, पंचम षष्ठम कात्यायनी थी, ये कात्यायनी है। तो ये कात्यायनी रूप में, कात्यायनी रूप में यहाँ पर शक्ति रूप में। मतलब कथा क्या है, अधर देवी नाम क्यों पड़ा? अधर देवी नाम अर्बुद से नाम पड़ा। अच्छा, ये आबू अर्बुद है। हाँ। ये सांप पर टिका हुआ है। अच्छा। अर्बुद सांप था, नाग था। हाँ। जो इधर एक नारायणी गांव है। अच्छा। और इधर एक नागपुर है, एक जगह उसका पूछ है, एक जगह मुंह है, उसी के ऊपर आज भी आबू बसा हुआ है। ये पहले बहुत बड़ी गहरी खाई हो गई थी। हाँ। उसमें कामधेनु गिर गई थी, तब बोला क्या इसको निकाला कैसे जाए, तब कामधेनु को निकाले कैसे, तब इसको भरना पड़ेगा। तो हिमालय का जो फर्स्ट पुत्र नंदीवर्धन, उसको बोला गया कि आप जाइए आओ पे उसको नंदी को निकालने। बोले मैं जाता हूँ लेकिन मेरे ऊपर 18 भाग वनस्पति होनी चाहिए, मैं जानता हूँ, सारी देवी देवता मेरे वहाँ मौजूद होने चाहिए, तथास्तु बोले। तब वो यहाँ आए, उसी में आज वो बोले आज भी 33 करोड़ देवी देवता का निवास है आबू के ऊपर और अर्बुद इसका नाम पड़ा और उसी से खाई भरी, कामधेनु बाहर आई। वशिष्ठ आश्रम भी है यहाँ पर, आज भी उसकी उत्पत्ति भी है। तो यूँ कह सकते हैं कि पूरा आबू जो है माउंट आबू, यह मतलब देवी स्थल है, देवी स्थल पूरा आबू दर्शनीय स्थान है, ये देवों का ही काम है। यहाँ पर तो पहले हम कविताएं लिखते थे, आबू स्थल है देवों का, दानों का यहाँ कोई काम नहीं, बच के निकलो पापी यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ हुए वाल्मीकि जैसे नक्शे झील तो खोदी थी, ये तो आबू है। अरावली के बीच फंसा है, पहाड़ियों के गोद फंसा है, उत्तर पश्चिम पश्चिम पते तेरे निस्त नाते नाना चेहरे, उत्तर में अचलगढ़ खड़ा है, दक्षिण में रघुनाथ, ये इसकी पूरी कथा है, मैं इतना आपको कहाँ बताऊंगा। ये तो बिल्कुल सही है, जितना दर्शनीय स्थल ये है उतनी ही यहाँ पे धार्मिक आस्था भी है, धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल है। और जैसा चमन सिंह जी ने कहा कि यहाँ पर ये किस तरह से टिका हुआ है, सांप पे टिका हुआ है, बहुत सारी धार्मिक कथा है, हम और लोगों से बात करेंगे। आइए चलते मंदिर की तरफ। समुद्र तल से 5500 फीट ऊंचा अर्बुद पर्वत यानी अर्बुदांचल पर अर्बुदा देवी का मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और देवी की मूर्ति लगभग 5500 साल पुरानी है। ये मूर्ति स्वयं निकली हुई है। ये मंदिर यहाँ के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में प्रतिष्ठित है। अर्बुदा देवी मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को गुफा के संकरे मार्ग में होकर जाना पड़ता है। 52 शक्ति पीठों में से एक अर्बुदा देवी मंदिर का निर्माण ठोस चट्टानों से किया गया है और ये भारत में रॉक कट मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है। माता के दर्शन करने के लिए आपको करीब 365 सीढ़ियों की चढ़ाई करके जाना होता है।
चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और अश्विन शुक्ल अष्टमी अर्बुदा देवी के प्रमुख दिनों के रूप में भी गिने जाते हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के समय 15 दिन तक यहाँ उत्सव चलता है, साथ ही अश्विन शुक्ल अष्टमी पर यहाँ 9 दिन उत्सव चलता है। इस समय हम हैं अधर देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए और क्या आस्था लेके हैं। भाई सब कहाँ से आपको बता रहे हैं? हम मुंबई से आए हैं। आपका शुभ नाम? विशाल गोहिल। विशाल भाई, आप यहाँ पर एज ए टूरिस्ट पर्पज से आए थे या माता के दर्शन के लिए? हम सब मिला के था, एक्चुअली घूमना भी था। और पहली बार आए माता के यहाँ पे? पहली बार आए, ऐसे माउंट आबू जाके आए। तो क्या पाया आपने, मतलब माता का कोई कथा कहानी आस्था कैसा महसूस हुआ? आप पहले भी गए होंगे, वैष्णो देवी भी गए होंगे या दूसरे महालक्ष्मी मंदिर आपके वहाँ पे भी है, बहुत सारे मंदिर हैं, तो अलग क्या चीज पाते हैं आप? इसमें ऊपर चढ़ना एक अच्छी बात है, 300 के आसपास करीब कुछ सीढ़ियाँ है, प्लस गुफा में अंदर जाके माता जी से मिलना है, वो अच्छी बात है। और एक और वहाँ पे और एक गुफा है जो ऊपर थोड़ी जाके है, तो वो बेहतर है, अच्छा है, बेहतर है। हाँ। तो माउंट आबू आने वाले दो पर्पज उनके सोल हो जाते हैं कि वो एज ए टूरिस्ट को घूम भी लेते हैं और माता के दर्शन भी यहाँ पे होते हैं। बहन जी, नाम क्या है आपका? भूमि त्रिवेदी। भूमि जी, क्या लगता है आपको, मतलब माता के ऊपर जब आप गए तो अंदर से भाव कैसा, जो क्योंकि एक धार्मिक स्थल पे आने का एकदम अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग ऐसे पावन धाम में आए। पहले भी आए अभी यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम ही आई। तो सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, इनफेक्ट सीढ़ी चढ़ के और एनर्जी, मतलब ऐसे अच्छा लगता है, मतलब माता जी का दर्शन और उत्साह होता है सीढ़ी चढ़ चढ़ के। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सीढ़ियाँ कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि श्रद्धा कितनी है, और श्रद्धा इस ऊंचाई को बिल्कुल कम कर देती है। और भी लोग हैं। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम बसंत लाल पायक। बसंत भाई, कहाँ से आए आप? मैं प्रॉपर राजस्थान उदयपुर से ही हूँ। उदयपुर से? अच्छा, यहाँ आप आते रहते हैं माता के? हाँ, ये अभी हम एक पर्पज से यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। हमारे बगड़ी नगर पाली डिस्ट्रिक्ट में है, गांव है। हाँ। वहाँ पे हमारे 500 वर्ष पूर्व यानी कोई सती माता हुई थी, उनके लिए न्योता देने के लिए हमारी कुल देवी अधर देवी जी है, तो उनको न्योता देने के लिए हम यहाँ पे एक परिवार और आ रहा है, न्योता देने के लिए आए हैं। उनको 500 वर्ष पहले उसका यानी कि वो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं हमारे गांव में ही, तो उसके पर्चपस से हम यानी कि न्योता देने के लिए आए हैं। पूजा अच्छा बसंत भाई, कोई कथा है, जैसे आपकी तो कुल देवी है तो आपको कथा पता होगी कि अधर देवी कौन थी, मतलब कैसे क्या अर्बुदा देवी? इतना नॉलेज नहीं है हमारा, तो पूर्व अभी हमें को पता पड़ा कि हमारी कुल देवी यही है, हम यानी कि यहाँ पे न्योता देने के लिए भी आए और दर्शन लाभ भी ले लेंगे इस दरमियान। हो जाता है कि कुल देवी हैं, और भी लोग हैं यहाँ से बात कर लेंगे कि भैया कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से आया हूँ। भोपाल से आए तो मतलब घूमने के पर्पज से या माता जी? घूमने के पर्पज से आए, यहाँ पता चले माता जी का मंदिर है। हाँ, हाँ, तो मैंने सोचा दर्शन कर लिए जाए। अब आप करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। 300 सीढ़ियां चढ़ेंगे? चले, बिल्कुल चढ़ेंगे, माता जी शक्ति देगी, चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ेंगे। चलिए, माता जी शक्ति देगी इसलिए ये चढ़ेंगे। और भी लोगों को हम बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए आप? अभी हम लोग भोपाल से आए, भोपाल से हुए इंदौर होते हुए पहुंचे यहाँ पर, और काफी ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की, तो हमें लगा कि यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। और माउंट आबू की अपनी एक विशेषता है, बहुत पर्यटक यहाँ आते हैं, तो हमें लगा कि हमें यहाँ विजिट जरूर करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, यहाँ ठंडक भी बनी रहती है, तो उसके हिसाब से हमने प्लान किया यहाँ आने का। अच्छा, तो माता जी के दर्शन करने आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी। तो 300 सीढ़ियां, और कुछ जाना या पढ़ा माता जी के बारे में वहाँ जाने से पहले? हमें बस यही बताया गया था कि शक्ति पीठ और यहाँ पे बहुत मान्यता है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना वो पूरी होती है, और माता रानी का आशीर्वाद जिस पे भी प्राप्त होता है उसका जीवन सफल होता है, सक्सेस उसको मिलता है, तो वही सोच के हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। हम और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ भैया, कहाँ से आए आप? पोरबंदर से आता है। पोरबंदर से? गुजरात। मैं हूं ना, पोरबंदर गुजरात। तो आप बहुत दूर आए माता जी के दर्शन करने? माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, माता जी का दर्शन भी किया, बहुत मजा आया। आप करके आ गए? क्या, दर्शन करके आया ऊपर? हाँ, दर्शन करके आया। आसानी से हो रहे हैं दर्शन? हाँ, अच्छी तरह से, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और मजा आया जी। क्या क्या है, दूसरे मंदिर भी आप गए होंगे, माता के दर्शन करने गए होंगे, तो यहाँ माता में और वहाँ के माता जी की में क्या अंतर पाया? सर, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है और एकदम शांत है और ग्रीनरी है, और माता जी के बहुत जो गुफा है ना अंदर जाने की, वो बहुत अच्छी है। वहाँ से हम अंदर दर्शन करने गए थे। हाँ। और बहुत शांति मिली दर्शन। अच्छा, जब आप टनल में से गए तो ऐसा लगा कि वैष्णो देवी जा रहे हैं?
हाँ ऐसा लग रहा था हाँ कि कोई अच्छी अलग जगह पे आ गए हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा अनुभव यहाँ पर लोगों को हुआ है। और बात कर लेते हैं, भैया भी है यहाँ पे है, ये भी टूरिस्ट भी है, शायद घूमने भी आए। भैया कहाँ से आए? जोधपुर से। अच्छा जोधपुर से आप राजस्थानी, तो ऊपर गए माता के दर्शन है ना? अच्छा तो क्या महसूस हुआ अधर देवी अर्बुदा देवी? अलग ही फीलिंग आती है, जैसे यहाँ पे जब दूसरे माता जी के जाते थे, ये माता जी बहुत अलग तरह के है। मतलब कुछ कहानी पता लगी? कहानी है वो नक्की झील, ये देखते हैं माता जी की अलग कहानी भी है ऐसे। अच्छा कुछ पता है, कुछ बताया किसी ने कि धरदेवी कहाँ थी, कैसे इनका प्रकट हुआ? ऐसा तो नहीं पता मुझे इतना। अच्छा देखिए इनको बता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता, और हमारा इस एपिसोड का उद्देश्य यही होता है अपना देव का, कि हम लोगों को बताएं उस जानकारी के बारे में जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, कि आखिर उनका स्थापत्य कैसे हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, कुछ यहाँ से ये लेके भी जा रहे हैं। कि बहन जी कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? राणी। अच्छा देवी दर्शन करके आए? हाँ। अच्छा कैसा लगा देवी दर्शन करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? सीढ़ी आए, थकान तो नहीं हुई? नहीं। चलिए थकान अगर किसी को होती भी है तो केवल श्रद्धा से ही वो कम हो जाती है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। यहाँ पे और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ से पधारे। भैया नमस्ते, जय माता दी, कहाँ से पधारे? जय माता दी, हम लोग मुंबई से आ रहे हैं। हम लोग ओरिजिनली हैं तो बिहार से, बट अभी फिलहाल यहाँ पे आए हैं मुंबई से। अच्छा तो आप दर्शन करने ही आए थे या मतलब दोनों पर्पस टूरिस्ट? हम लोग दर्शन के ख्याल से ही आए थे और बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। अच्छा तो कुछ मान्यता है आप लोगों की या माता को लेकर, या इसकी कोई कथा पता है आपको? माता की कथा थोड़ी बहुत पता है, ये नहीं कह सकते कि पूरी पता है, लेकिन इतना पता है कि ये जो माताजी लोगों का और हमारे धर्म में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से ये पूरे हमारे जीवन की शिक्षा इन सब में निहित है, जो हमारे जीवन के हर पहलू का पूरे तरीके से ख्याल रखती है। और जहाँ तक इस माताजी के शिक्षा का सवाल है और कथा का सवाल है, ये पता है कि ये एक शक्तिपीठ है, और जब सती माता गुस्सा होकर के और अपने आप का देह त्याग देने का निर्णय लेती हैं और कूदती हैं और भगवान शंकर जी उनको उठा करके लेते के चलते हैं, तो उनके अधर यहाँ पे गिरे थे, जिनको संस्कृत में अम्बुद बोलते हैं शायद, अर्बुद, और इसीलिए इनको अर्बुदेश्वरी माता का नाम दिया गया है। तो अभी जो ऊपर चढ़ने में ऐसी कोई समस्या नहीं है? 300 सीढ़ियां बताई जाते हैं यहाँ? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, भक्ति है, जहाँ माता है वहाँ पे समस्याएं क्या रहेंगी, माता का दरबार है यहाँ पे, तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं एक्चुअली। बिल्कुल सही है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ समस्याएं दूर हो जाती है। माउंट आबू में स्थित अर्बुदा देवी का ये मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सती के अधरों की यानी होठों की पूजा की जाती है, और ये माना जाता है कि यहाँ पर जो प्रतिमा है वह स्वयंभू है, और यहाँ पर श्रद्धालु माँ के चमत्कार के कारण आते हैं और श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी देवी देवता या धार्मिक स्थल के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।